गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू प्रोफेसर एस पी गोयल आई एस क्लासरूम हैविंग फोर्टी ईयर एक्सपीरियंस आई गिव यू वन गोल्डन टिप फर्स्ट इज दैट डोंट कलेक्ट मोर रिसोर्सिस ऐसा नहीं है कि शाम को गए ऐसे का भी अच्छा लगे वो अच्छा लगे दुनिया भर की किताबें इकट्ठी कर ली नो दैट इज ए ग्रेट फेल्योर उसके लिए आपने फोकस करो राइट वंस पे हमने क्या पढ़ना है जैसे करंट अफेयर्स में आप मेरे वीडियो के साथ फोकस कर रहे हो एक घंटा न्यूज पेपर पढ़ो उसके बाद मेरे क्वेश्चन करो ये राइट अप्रोच है दूसरा क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी जैसे मैंने बताया दिस इज मोर इंपॉर्टेंट तीसरा जो पॉइंट है इसमें रिविजन यदि आप मेन में रिविजन नहीं करोगे तो आप लिख ही नहीं पाओगे डेढ़ सौ वर्ड में ना ऑर्गेनाइज होगा आपका आंसर आमतौर पर क्या होता है क्वेश्चन जो है जब पहले मॉडल आंसर आपके पास होंगे तभी ऑर्गेनाइज होता है वहाँ डेढ़ सौ वर्ड में नहीं तो पहले कुछ लिखोगे बाद में कुछ लिखोगे जो पहले लिखना है वो बाद में लिखोगे कई पॉइंट रह जाएंगे कई हेडिंग रह जाएंगे सब हेडिंग रह जाएंगे ये मेरा एक्सपीरियंस है मेन का तो बता रहा हूँ क्वेश्चन छूट जाएंगे तो आपने जो है ना रोज़ाना मेरी चैनल को ज्वाइन करना है रोजाना वीडियो देखने हैं अखबार पढ़ने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट देखना है क्या ये मेरे को क्वेश्चन आते हैं क्या मैं ऐसा क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी में कर सकता हूँ और क्वालिटी का डिफरेंस देखना क्या कोई ऐसा चैनल है इंडिया में जो इस तरह के क्वेश्चन निकाल रहे हो है तो उसके जरूर देखने चाहिए

आर्ट एंड कल्चर से इसको किया इसका यूनिवर्सिटी का नाम होगा समाका सारा सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तो मैंने इसको पकड़ लिया क्योंकि मैंने पहले भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है समाका सराका क्या है ये कल्चर से क्वेश्चन बना दिया मैंने आपने ये तो क्वेश्चन नंबर दो देखिए आप जब ये यूनिवर्सिटी के नाम के आगे समाका सराका था, था तो इसको आपको ध्यान से देखना चाहिए क्यों लिखा गया पार्लियामेंट में गया ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम तो खास बात है हमारे नेशनल लेवल की बात है

इट बिलोंग टू तेलंगाना नॉट आंध्रा. देन पीपल ऑफर जैगरी इस दिन जो ना इस फेस्टिवल में, ये साल में दो, दो साल में एक बार आता है इसमें जैगरी को जो ना है ऑफर करते हैं तेलंगाना में वो जो है रिचुअल ऑफर करती थी इसमें question, फिर देखिए इसमें कितना अच्छा क्वेश्चन है ये दो साल में एक बार आता है ये फेस्टिवल हर साल नहीं आता और लोग जो है एक रिवर है वहां पर जामपाना बाघू रिवर ये ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की उसमें होली बाथ लेते हैं स्नान करते हैं तो पवित्र स्नान एंड ये जो है स्टेट तो फेस्टिवल डिक्लेयर किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने उस तो का सारा का क्या है भाई ये भी पता होना चाहिए देवर मदर एंड डाटर डिओ ट्राइबल की थी सेक्रीफाइस देयर लाइव अगेंस्ट ऑपरेशन एंड टैक्सेशन ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिनको आप डिफिकल्ट कहते हैं मैं इनको कहता हूँ अनकॉन्वेंशनल डिफिकल्ट नहीं है हमारी तैयारी का फर्क है तैयारी करने का अभी आगे आज आया हुआ था न्यूज पेपर में अल्टेरा क्या है

इससे ऊपर चलेगा अस्सी दिन से ज्यादा तो मतलब, yes. आपका मेन का भी क्वेश्चन है मैं आगे, देखो, के आज तीन के दो तीन आपके क्वेश्चन लेके आओ मेन के भी साथ लेके आता हूँ एक या दो क्वेश्चन रोज होंगे आपके तीन सौ चार सौ क्वेश्चन हो जाएंगे उनका जवाब दे रहे हो तो अपने आप ही जनो आपके पच्चीस नंबर आ जाएंगे जीएस में। न्यू दिल्ली डिक्लेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक मिनट में क्वेश्चन आएगा एक मिनट में आएगा ये ध्यान रखना आपने मेरे जो मुँह से शब्द निकलते हैं ना कई बड़े जो है यू को आपका दस या पंद्रह नंबर का ही है तो मुझे नहीं पता दस का आएगा, आएगा जरूर न्यू दिल्ली डिक्लेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडोप्टेड ये इंडिया में हो रही है और इसको जीपे भी कहते हैं जीपीए आई के नाम से है या जीपे जीपे का मतलब न्यू दिल्ली डिक्लेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है याद रखना आपने ये का क्वेश्चन इंडिया इसको होस्ट कर रहा है और अगले साल इंडिया इसका चेयर करेगा डिफरेंस समझो क्वेश्चन देखो आगे क्वेश्चन में मैंने क्लियर किया क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उनमें से कोई एक स्टेटमेंट आगे कोई दो आएंगे यूरोपियन यूनियन एंड ट्वेंटी एट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इंडिया भी है इसमें ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम जीपी या जीपीएआ कहते हैं राइट स्टेटमेंट इंडिया होस्टेड दो हजार तेईस जीपीआई समिट यस इंडिया विल चेयर दो हजार चौबीस में सो चेयर करेगा इस साल होस्ट कर रहे हैं ये फर्क है जापान जापान होस्टेड लास्ट ईयर ने की थी तो ये ऐसा क्वेश्चन निकाल के लाओ इस क्वेश्चन को आप बारह सो तेरह सौ लिख के देख लीजिए मैं आपको तो दोबारा बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन जो है रेयर जो है कभी कभी माइंड में आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू ह्यूमिनिटी आज कहीं लिखा हुआ है की स्टेटमेंट है ये कभी भी आ जाए एक सवा सौ नंबर का आपका एक एस से आना है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है उसमें जो है आई एम एफ ने पैसा रिलीज किया है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी श्रीलंका के लिए अब ये बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड पेज पे आते हैं रोजाना न्यूज आ रही है यूनाइटेड किंगडम से इनका जो है बहुत बड़ा जो है केस है आपको मैं आगे क्वेश्चन बताऊँ रवांडा का जो रवांडा में जो है क्या है रवांडा से छालीस हजार से ज्यादा लोग इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके छोटी छुट छोटी बोट्स में 2022 में आ गए थे उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया भी ये जो आए हैं अभी रवांडा में पोजिशन ठीक नहीं है इनको वापिस मत भेजो बट जो यूके पार्लियामेंट है वो बिल पास करने जा रही है अभी हम इनको वापिस भेजेंगे क्योंकि वहाँ पोजिशन ठीक है तो ये क्वेश्चन आपके टेस्ट पर्सनलिटी टेस्ट्रू के लिए जो, ना जो इन्होंने मेन क्लियर किया है वो ध्यान रखें जो मैं ये बता रहा हूँ रवांडा के आई है अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कई बार हमें पता नहीं होता कि हम किसके सिग्नेटरी हैं किसके नहीं है सबका पता होना चाहिए जो ग्रुपिंग है ना वर्ल्ड ग्रुपिंग मल्टीपल ग्रुपिंग है

अब ये मैंने एक क्वेश्चन इसमें से निकाला है हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सीएम और जो गवर्नर का है उनका जो दोनों का जो ना बिल पासिंग पे है स्टैंड तो स्टिल हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा इस पे उसपे एक वो दी है टिप्पणी दी है जो आपके मेन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड बिजनेस ऑफ द गवर्नेंस शुड नॉट सफर इसका आपका एग्जाम में आएगा गवर्नेंस याद रखना ये मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन दे दिया आपको ये पहली बार सुना है स्टेट एंड ऑफ द गवर्नमेंट कई बार आया हुआ है हमारे टाइम में भी आया था ये और एग्जाम्पल देना आपने इसमें अब ये डेटा पॉइंट पे ना क्वेश्चन आता है बहुत बार वीक में एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं और पहले भी आपके दो में भी इसमें से आया हुआ है क्वेश्चन देखिए इंडियन लेबर टू क्लाइमेट चेंज इंड मतलब क्लाइमेट चेंज का हेल्थ इश्यूज पर क्या है दो तीन पैर में बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसमें से क्या करना सारा आर्टिकल ठीक नहीं है आपके लिए इतना पढ़ने जरूरत नहीं शुरू के जो है दो तीन पैरे उसमें आप नोट्स बना लो भी क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं जैसे एक तो क्या है वैक्टर्स बढ़ जाएंगे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना ग्लोबल वार्मिंग इससे वेक्टर बोर्न डिजीज बहुत बढ़ जाएंगे जैसे अफ्रीका में ऐसे हो जाएंगे इंडिया में अब आगे क्वेश्चन देखिए इस पे मैंने ये मेन के लिए निकाला है

अब ये नहीं सोचते एग्जाम में जो है पेपर सेटर कैसा क्वेश्चन देगा मैं उसके क्योंकि चालीस साल का तजुर्बा का यही फायदा है और पेपर सेटिंग का मुझे बड़ा लंबा तजुर्बा है तो ये क्वेश्चन आप देखना कि इसकी क्वालिटी देखना इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और बार बार देखिए जितनी वीडियो है और पिछली वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा लेके आऊँगा थैंक यू वेरी मच